राजधानी पटना में अपराधियों का कहर लगातार जारी है। ताजा मामला पटना सिटी के दीदारगंज थाना क्षेत्र के कोठिया इलाके का है। अपराधियों ने मंगलवार की देर रात को कपड़ा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद उनका मोबाइल लेकर फरार हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायल कपड़ा व्यवसायी को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बुधवार की सुबह इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मृतक कपड़ा व्यवसायी की पहचान रोहन कुमार के रूप में की है। पुलिस ने व्यवसायी के शव को पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया। पुलिस मामले की जाँच में जुट गयी है, हालांकि अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। रात्रि में 8-9 बजे आ रहे थे अपना बिजनेस के पर्पज से, तगादा उगादा करते हुए। कौन? मेरा बड़ा छोटा भाई हुआ। क्या नाम? रोहन कुमार। और उसके बाद वहाँ पर मंदिर है, मंदिर के थोड़ा सा आगे ही सीसी कैमरा उमड़ा सब लगा हुआ है, लेकिन उसमें पता नहीं चल रहा है। और गोली मारला के बाद में उनका मोबाइल ले कर चला गया है। प्रशासन भी आए, कहें कि ठीक है हम लोग छानबीन कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल उसके पास खुला है लेकिन ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। अब हम लोग क्या करें? और बोलिए कि क्या बोला? पूरे आगे बोलता है कि मोबाइल पर सर जब बात हुआ है उसके बाद बोला है कि अभी तो एक मर्डर हुआ है, अभी 4 मर्डर आ होगा, पूरे खानदान को ले डूबे में। आपके भाई साहब को भी बताया थे कि कुछ किसी से झंझट चल रही है? जी नहीं, कभी सब की बात चर्चा करवे नहीं किया, ना अपने बीबी से भी कुछ नहीं बोला, ना बाल बच्चे से। किस तरह का बिजनेस करते हैं? रेडीमेड का काम था, जींस टी शर्ट शर्ट ये सब अपना ही घर, होजरी का काम था, अपना घर से ही माल मंगवाता था, अपने घर से ही सप्लाई करता था। कहीं बकाया वकाया बहुत ज़्यादा था क्या? बकाया वकाया के बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं कि अब उनके बिजनेस अलग है, मेरा बिजनेस अलग है, इसलिए घर में एक ही रहते हैं। लेकिन उतना मतलब उनका बिजनेस से हमको कोई लेना देना भी नहीं रखते थे, और उन ज़्यादा हमसे जैसे नॉलेज में भी ज़्यादा थे। हम तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं, गांव में सब आदमी से बातचीत, चाहे हम लोग का कोई परिवार से भी नहीं है। दीदारगढ़ थाना के अंतर्गत कोठिया गांव में इस तरह का घटना हुआ है। क्या घटना हुई? हुआ है जो कोई लड़का उसको गोली मार दिया है, एक व्यवसायी कपड़ा व्यवसायी हैं, और हम तो ड्यूटी में नहीं थे, ड्यूटी में हम लोग नाइट में चढ़े हैं। सुबह में इस सूचना हमको मिला है, हमारे जो कि पदाधिकारी थे साथ में, वो हमको जो कि हॉस्पिटल में लाए हैं, आई डिप्टी में पोस्टमार्टम के लिए हमको भेजा गया है। क्या गोली लगी है, क्या जानकारी मिली? ये जानकारी हमको नहीं है, क्या गोली लगा है। नाम पता है? नाम किसका? नाम भी पता हमको नहीं है। हम हाँ, मैंने जो जिसका गोली लगा है उसका नाम भी हमको पता नहीं है, लेकिन हाँ आज सुबह में हम डिप्टी में जो कि थे तो सूचना, मेरा नाम है सुरेश प्रसाद। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।